Good evening to all of you. I, Vivekanand, welcome you in this YouTube channel of GATE classes, which is a great initiative of the TQ faculties. Being a faculty coordinator for this particular electromagnetic theory, I'm going to conduct the lecture number 10, and the title of the lecture is Electromagnetic Waves. So let's start with this topic. What are electromagnetic waves? Electromagnetic waves, in short called EM waves, always travel in space with a velocity of light, electromagnetic waves. And the propagation of electromagnetic waves can be explained with the help of a great application of Maxwell's equations, which we have derived earlier, del dot, in free space we have derived del dot D is equals to zero, or del dot E is equals to zero, divergence of the magnetic flux density is zero, or divergence of the magnetic field intensity is zero. We have also derived del cross E is equals to minus del V by del T. And for free space, this can be written as del cross E is equals to, after taking the Fourier transform, minus B is equals to mu H. So it will be J omega mu H. And similarly, del cross H is equals to JC plus JD, conduction current density plus displacement current density, which can also written as sigma E plus del D by del T. And after taking its Fourier transform, this can also be written as del cross H is equals to sigma E plus J omega epsilon E. And we can also write del cross H is equals to E common. And then we can write sigma plus J omega epsilon into E. Okay. So these are the equations which we are going to use for the propagation of electromagnetic wave or electromagnetic wave propagation. This is equation number 1. This is equation number 2. Now they are in sinusoidal format. This is equation number 3 and this is equation number 4. यहाँ पे हमें ये समझ लेना है कि ये जो j omega mu आ रहा है और sigma plus j omega epsilon आ रहा है, ये बहुत important role play करने वाले हैं electromagnetic wave के propagation के लिए. तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं ईएम वेव्स इन गुड कंडक्टर्स. यदि गुड कंडक्टर्स में हम बात करते हैं, कॉपर में, एल्यूमिनियम में, सिल्वर में, गोल्ड में, ये जो गुड कंडक्टर्स हैं उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब ट्रैवल करती है तो उस कंडक्टर का बिहेवियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रति कैसा होता है. तो यहाँ पे हमें एक चीज जो सबसे पहले जान लेनी चाहिए कि किसी भी मीडियम में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसर्ट होगी, उसमें ट्रैवल करेगी, तो वो मीडियम उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अपोज करेगा, उसको रेजिस्ट करेगा. और वो अपोज करने के लिए उसका जो इम्पिडेंस है, उस इम्पिडेंस का नाम है इंट्रिंसिक इम्पिडेंस. एंड दैट इंट्रिंसिक इम्पिडेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय ईटा, विच इज इक्वल्स टू E upon H. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इन दोनों का जो रेशियो है, उस रेशियो को ही हम इंट्रिंसिक इम्पिडेंस के नाम से जानते हैं, इंट्रिंसिक इम्पिडेंस ऑफ द मीडियम. और ये मीडियम के लिए डिफाइन होता है. आगे चल के हम और भी कॉन्स्टेंट देखेंगे, जैसे अल्फा एटीन्यूएशन कॉन्स्टेंट होता है, बीटा फेज कॉन्स्टेंट होता है, गामा प्रोपगेशन कॉन्स्टेंट होता है. लेकिन ये सारी चीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के परिप्रेक्ष्य में है. लेकिन जो ईटा है वो मीडियम के परिप्रेक्ष्य में है. मीडियम का होता है इंट्रिंसिक इम्पिडेंस. और ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, दिस इज इक्वल्स टू जे ओमेगा म्यू अपॉन सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन. नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ईटा क्या है? इंट्रिंसिक इम्पिडेंस. ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. एच क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. अंदर यहाँ देखें तो जे ऑपरेटर से सब जानते हैं, परिचित हैं. ओमेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, म्यू परमिबिलिटी है मीडियम की, एप्सिलॉन परमिटिविटी है मीडियम की, और सिग्मा कंडक्टिविटी है मीडियम. और जैसे हम जानते हैं कि सिग्मा हमेशा एब्सोल्यूट ही होता है, लेकिन म्यू बराबर क्या होता है? म्यू नॉट इंटू म्यू आर. और एप्सिलॉन बराबर क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर. तो इस प्रकार यदि हम ईटा को लिखेंगे, सो ईटा इज इक्वल्स टू रूट ओवर जे ओमेगा म्यू अपॉन सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन. वी कैन ऑल्सो राइट रूट ओवर J omega mu naught into mu r divided by sigma plus J omega epsilon naught epsilon. Okay, this is the intrinsic impedance of a particular medium.
अब चूंकि हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रोपगेशन गुड कंडक्टर में, तो गुड कंडक्टर की खासियत क्या है? गुड कंडक्टर का जो लॉस टेंजेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। गुड कंडक्टर के लिए लॉस टेंजेंट, जिसे हम टेन डेल्टा के नाम से भी जानते हैं, वो होता है सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन। इसकी वैल्यू मच मच ग्रेटर देन 1 होती है। तो आइए हम देखें कि अगर गुड कंडक्टर का लॉस टेंजेंट सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन बहुत बड़ा है 1 से, तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है सिग्मा बड़ा है ओमेगा एप्सिलॉन से। इसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा एप्सिलॉन इतना छोटा है सिग्मा से कि हम उसको सिग्मा के कंपैरिजन में नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये जो इंट्रिंसिक इम्पेडेंस अभी हम लिख रहे थे आपके सामने, विच इज़ नथिंग बट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको जब हम लिखेंगे जे ओमेगा म्यू अपॉन सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन, तो आप देखेंगे ये सिग्मा बहुत बड़ा है इसके कंपैरिजन में, तो इस टर्म को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास आ जाता है जे ओमेगा म्यू अपॉन सिग्मा। एंड एज वी नो डैट जे इज नथिंग बट ऑपरेटर, जिसकी वैल्यू तो 1 होती है लेकिन एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। ये रेक्टेंगुलर फॉर्मेट है या पोलर फॉर्मेट? तो अगर मैं इसको यहाँ पे यूज कर लेता हूँ तो ईटा बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ? ओमेगा म्यू 1 एंगल 90, 1 का गुणा ओमेगा म्यू में करेंगे तो ओमेगा म्यू ही रहेगा, डिवाइडेड बाय सिग्मा। व्हेन आई सॉल्व दिस आई कैन राइट ईटा इज इक्वल्स टू रूट ओवर ओमेगा म्यू बाय सिग्मा, और एंगल ये आधा हो जाएगा, ठीक है, 45 डिग्री। अब कैसे हो गया एंगल 45? उसका सीधा कारण है कि मैं इसको ई टू द पावर जे पाई बाई टू भी लिख सकता हूँ, एंड व्हेन आई टेक द स्क्वायर रूट इट विल बिकम ई टू द पावर जे पाई बाई टू टू द पावर 1/2, मीन्स ई टू द पावर जे पाई बाई फोर, एंड व्हेन इट बिकम्स ई टू द पावर जे पाई बाई फोर, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज ई टू द पावर जे पाई बाई टू, ओके, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट। एनी वेक्टर क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड ईदर इन रेक्टेंगुलर फॉर्म और इन पोलर फॉर्म और इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ओके। सो व्हेन यू डू दैट यू विल गेट एंगल पाई बाय फोर मीन्स 45 डिग्री। वी कैन ऑल्सो राइट ईटा इज इक्वल्स टू रूट ओवर ओमेगा म्यू बाय सिग्मा, और एंगल 45 इसको यदि हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो दिस विल बिकम कॉस पाई बाय फोर प्लस जे साइन पाई बाय फोर, एंड एज वी नो डैट कॉस पाई बाय फोर एंड जे साइन पाई बाय फोर, साइन पाई बाय फोर इज ऑल्सो 1/√2, और बोथ आर 1/√2, सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज रूट ओवर ओमेगा म्यू बाय सिग्मा इन द ब्रैकेट 1/√2 प्लस जे 1/√2, ठीक है, 1/√2 प्लस जे 1/√2, और यू कैन राइट ईटा इज इक्वल्स टू रूट ओवर ओमेगा म्यू अपॉन 2 सिग्मा, रूट टू बाहर ले लिया हमने, इन द ब्रैकेट 1 प्लस जे, इन द ब्रैकेट 1 प्लस जे, ओके। So this can also be used as a formula for calculation. This can also be used as a formula for calculation. Okay, and this can also be used as a formula for the calculating the intrinsic impedance of a good conductor. ठीक है, good conductor का intrinsic impedance आप इन तीन में से किसी भी formula से निकाल सकते हैं, no problem. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और term exist करता है जिसे हम कहते हैं propagation constant. क्या नाम दिया मैंने? प्रोपगेशन कांस्टेंट, एंड दैट प्रोपगेशन कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय गामा, एंड दिस गामा इज इक्वल्स टू बेसिकली अल्फा प्लस जे बीटा। गामा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस जे बीटा। व्हाट इज गामा? प्रोपगेशन कांस्टेंट। व्हाट इज अल्फा? एटेन्यूएशन कांस्टेंट। व्हाट इज बीटा? फेज कांस्टेंट। एंड वी शुड रिमेंबर द जनरल फॉर्मूला ऑफ एटेन्यूएशन कांस्टेंट अल्फा, व्हिच इज नथिंग बट रूट ओवर ओमेगा म्यू बाई टू, ओमेगा म्यू बाई टू, ओमेगा रूट ऑफ म्यू, सॉरी सम करेक्शन इज देयर, दिस अल्फा इट इज अ बिग फॉर्मूला, इट इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा बाहर रहेगा, रूट ओवर म्यू सिग्मा म्यू एप्सिलॉन बाय टू, एंड रूट ओवर 1 प्लस सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन होल स्क्वायर माइनस 1 इन अ ब्रैकेट, ठीक है, इट इज लाइक दिस। एंड सिमिलरली इफ यू वांट टू राइट द फॉर्मूला फॉर बीटा, बीटा विल बी इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर म्यू एप्सिलॉन बाय 2 इन द ब्रैकेट रूट ओवर 1 प्लस सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन होल स्क्वायर प्लस 1, दिस इज बीटा। अल्फा इज द एटेन्यूएशन कांस्टेंट, दिस इज नथिंग बट एटेन्यूएशन कांस्टेंट। What is beta? Beta is nothing but
फेस कांस्टेंट, बीटा इज द फेस कांस्टेंट, दिस इज एटेन्यूएशन कांस्टेंट, दिस इज फेस कांस्टेंट, एंड गामा, गामा इज कॉल्ड प्रोपगेशन कांस्टेंट। ओके, नाउ यहाँ पे भी बात वही लागू होती है कि अगर गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है यानी सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलन मच मच ग्रेटर देन वन, और अगर सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलन मच मच ग्रेटर देन वन है तो स्वाभाविक सी बात है कि वन को सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलन के तुलना में बहुत छोटा मान के नेगलेक्ट किया जा सकता है। तो जैसे ही हम वन को नेगलेक्ट करेंगे तो ये क्या बचेगा, रूट ओवर सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलन होल स्क्वायर, मीन्स इट इज सिग्मा बाय एप्सिलन ओनली, लेट मी राइट अल्फा ओनली, अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा रूट ओवर म्यू एप्सिलन बाय टू इन द ब्रैकेट रूट ओवर वन प्लस सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलन होल स्क्वायर माइनस वन, ये है हमारे पास। और इसमें आप देखेंगे कि वन को हमने नेगलेक्ट कर दिया, तो जैसे ही वन को नेगलेक्ट किया तो ओमेगा रूट ओवर म्यू एप्सिलन बाय टू, वन को नेगलेक्ट करें तो ये बचा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलन, और ये माइनस वन भी नेगलेक्ट हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एप्सिलन कैंसिल हो गया, अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा रूट ओमेगा से रूट ओमेगा कैंसिल होगा तो रूट ओवर ओमेगा म्यू सिग्मा बाय टू। और कमाल की बात है कि बीटा भी यदि निकालेंगे तो बीटा में हम प्लस वन को नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि हमारा सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलन मतलब कि लॉस टेंजेंट इतना बड़ा है कि उसमें एक जोड़ें या एक घटाएं, प्लस वन करें या माइनस वन करें, इट हार्डली मैटर्स फॉर अस। सो अल्फा एंड बीटा बोथ आर सेम फॉर द गुड कंडक्टर। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट गामा विच इज नथिंग बट अल्फा प्लस जे बीटा, सो आई कैन सिंपली राइट गामा इज इक्वल्स टू रूट ओवर ओमेगा म्यू सिग्मा बाय टू इन द ब्रैकेट वन प्लस जे, ठीक है, क्योंकि अल्फा भी वही है बीटा भी वही है तो कॉमन ले लिया, रूट ओवर ओमेगा म्यू सिग्मा बाय टू इन द ब्रैकेट इट इज वन प्लस जे। यू कैन ऑल्सो राइट गामा इज इक्वल्स टू रूट ओवर ओमेगा म्यू सिग्मा बाय टू एंड वन प्लस जे को हाउ कैन वी राइट, वी कैन राइट रूट टू एंगल 45। हाउ कैन वी राइट रूट टू एंगल 45, बिकॉज वन एंगल जे को जब मैं पोलर कन्वर्ट करूंगा रूट ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, दिस विल बी रूट टू एंगल 45, रूट टू कैंसिल आउट, सो गामा इज इक्वल्स टू रूट ओवर ओमेगा म्यू सिग्मा एंगल 45, सो यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, ओके रूट टू एंगल 45 ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो ये हमारे पास प्रोपगेशन कांस्टेंट आ गया है गुड कंडक्टर के लिए। तो इस प्रकार हमने गुड कंडक्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपगेशन देखा। अच्छा, गुड कंडक्टर में यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाएगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी यू से रिप्रेजेंट करते हैं और ये बराबर होता है ओमेगा बाय बीटा के। सो ओमेगा इज अ कॉन्स्टेंट एंड बीटा वी हैव जस्ट डिराइव, वॉट इज बीटा, रूट ओवर ओमेगा म्यू सिग्मा बाय टू, रूट ओवर ओमेगा म्यू सिग्मा बाय टू, सो वी कैन फर्दर सिंप्लीफाई दिस, दिस विल बिकम रूट ओवर टू ओमेगा अपॉन म्यू सिग्मा, म्यू सिग्मा नीचे आ जाएगा, ओमेगा से ओमेगा एक बार कैंसिल होगा, रूट ओमेगा ऊपर बचेगा और रूट टू भी ऊपर चला गया। सो द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री इन गुड कंडक्टर, नॉट इन फ्री स्पेस, इन गुड कंडक्टर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रूट ओवर टू ओमेगा अपॉन म्यू सिग्मा। इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें यह पता चल रहा है कि जब हमारे गुड कंडक्टर में यानी एल्यूमिनियम हो, कॉपर हो या सिल्वर गोल्ड, कोई भी गुड कंडक्टर हो, उसमें जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाएगी तो उस मीडियम की कंडक्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी उस मीडियम के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी उतनी कम हो जाएगी, उस मीडियम की परमिएबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी उतनी कम हो जाएगी, मगर फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जितनी ज़्यादा होगी हमारी वेलोसिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। यानी आई कैन राइट u is directly proportional to root omega, u is inversely proportional to 1 upon inversely proportional to root sigma or directly proportional to 1 upon root sigma, u is inversely proportional to root mu. These three things are very important and we have to keep in mind while we are studying the wave propagation in a good conductor. So good conductor mein yadi hum baat karte hain to iska humko dhyan rakhna hai. गुड कंडक्टर में एक और टर्म एग्जिस्ट करता है जिसको हम कहते हैं स्किन इफेक्ट, सॉरी स्किन डेप्थ, स्किन डेप्थ जिसे डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन भी कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ये इसमें मतलब जैसे ही हमारा गुड कंडक्टर होगा उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाएगी तो एक स्थिति आएगी जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो इंटेंसिटी है वो 1/E हो जाती है, जितनी डेप्थ के बाद वो 1/E हो जाती है उसे हम स्किन डेप्थ कहते हैं,
और वो जो डेल्टा होती है स्किन डेप्थ वो 1/अल्फा या 1/बीटा के बराबर होती है. एंड वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड एंड अल्फा एंड बीटा बोथ आर सेम, दैट्स व्हाई 1/अल्फा एंड 1/बीटा आर ऑल्सो सेम. सो वॉट इज अल्फा? अल्फा इज रूट ओवर ओमेगा म्यू सिग्मा बाई टू. सो वॉट इज 1/अल्फा? दिस इज रूट ओवर 2/ओमेगा म्यू सिग्मा. मीन्स वी कैन ऑल्सो राइट रूट ओवर 2/ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2πf म्यू सिग्मा, एंड 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. सो दिस डेल्टा इज नथिंग बट 1/√πf μ σ. सो डेल्टा इज इक्वल्स टू 1/√πf μ σ. सो आई कैन से दैट व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स इनसाइड द गुड कंडक्टर, द डिस्टेंस और डिस्टेंस एट विच द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स 1/E टाइम्स, दैट डिस्टेंस इज नोन एज स्किन डेप्थ और डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन. इसे डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन के नाम से भी जाना जाता है, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन. तो ये जो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन है वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्स स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, परमिबिलिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कंडक्टिविटी के भी स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. यानी डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू 1/√f इज प्रोपोर्शनल टू 1/√μ, रूट म्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1/√σ. ओके, तो इस मायने में हम ये कह सकते हैं कि म्यू और सिग्मा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी भी है, ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी यहाँ आ रही है, यहाँ फ्रीक्वेंसी के, तो हम ये कह सकते हैं वेव की जो वेलोसिटी है वो तो फ्रीक्वेंसी के रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन स्किन डेप्थ फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है. यानी इस मायने में अगर हम देखा जाए तो हम यहाँ पे लिख देते हैं यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओमेगा और रूट एफ, और इसके लिए क्या लिखेंगे, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ओमेगा रूट एफ, जबकि यू इज प्रोपोर्शनल टू 1/√μ एंड यू इज प्रोपोर्शनल टू 1/√σ, ठीक है. सिग्मा और म्यू के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेकिन ओमेगा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो इस मायने में आप देख सकते हैं कि स्किन डेप्थ को यदि हम वेलोसिटी से कंपेयर करें तो ये फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में बस ये उल्टा रिजल्ट देता है, ठीक है. बाकी अगर हम कंपेयर करते हैं परमिबिलिटी या कंडक्टिविटी से तो सेम रिजल्ट देता है. मतलब यदि हम मटेरियल की जो भी गुड कंडक्टर है जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रवेश कर रही है उस गुड कंडक्टर की हम परमिबिलिटी इंक्रीज करते हैं, मतलब मटेरियल चेंज करेंगे तो परमिबिलिटी चेंज होगी, वैसे तो परमिबिलिटी बढ़ा नहीं सकते, कंडक्टिविटी भी मटेरियल चेंज करने पे चेंज हो जाएगी. यानी बाय एनी मींस इफ वी आर इंक्रीजिंग द परमिबिलिटी और कंडक्टिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम, द स्किन डेप्थ एंड द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोथ गेट रिड्यूस्ड, ठीक है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल. बट व्हेन वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी इंक्रीजेस बट स्किन डेप्थ डिक्रीज, और when we reduce the frequency, velocity reduces but skin depth increases. That is the difference. ठीक है? तो इस point को दिमाग में रखना है, बहुत important है. It's very very important. I am writing over here. ठीक है? तो electromagnetic wave का propagation free space में किस प्रकार होता है? कैसे intrinsic impedance आता है? कैसे propagation constant आता है? Attenuation constant क्या है? Phase constant क्या है? वेव जब जाएगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी और जिस मीडियम के अंदर जाएगी वहां पे स्किन डेप्थ या डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन कैसे निकालेगी और वो किन चीजों पर निर्भर करता है, ये सारी चीजें हमने देखी. तो इसका टाइटल था हमारा वेव प्रोपगेशन एंड गुड कंडक्टर, ठीक है. अब वेव प्रोपगेशन तो गुड डायलेक्ट्रिक में भी हो सकता है. सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वेव्स इन गुड डायलेक्ट्रिक, ठीक है, तो डायलेक्ट्रिक बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक लॉसी डायलेक्ट्रिक एक लॉसलेस डायलेक्ट्रिक, ठीक है. तो डायलेक्ट्रिक में आप ये पाएंगे कि इसका जो टेंजेंट ऑफ डेल्टा है, मतलब लॉस टेंजेंट जिसे हम सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन कहते हैं, ये बहुत छोटा हो जाता है एक से. और जब ये एक बहुत से छोटा होगा, मतलब सिग्मा बहुत छोटा ओमेगा एप्सिलॉन से, तो आप देखिए सारे रिजल्ट्स में हमारे चेंजेस आएंगे. अल्फा की वैल्यू जो हमारी थी ओमेगा रूट ओवर म्यू एप्सिलॉन बाय टू रूट ओवर 1+सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन होल स्क्वायर -1, ये जो था. अब आप देखिए कि ये बहुत छोटा हो गया हमारा x, तो यहाँ बाइनोमियल थ्योरम काम करेगी और बाइनोमियल थ्योरम हम यहाँ पे लगा के इसको रिजॉल्व कर सकते हैं. देखिए क्या होगा, ओमेगा रूट ओवर म्यू एप्सिलॉन बाय टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पावर 1/2, और जब बाइनोमियल लगाऊंगा तो आप जानते हैं बाइनोमियल में 1+x की पावर n इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1+nx, वेयर एक्स इज वेरी वेरी लेस देन 1. ये बाइनोमियल थ्योरम यहाँ काम करेगी. सो दिस विल बिकम 2 हमारा
है, टू तो ठीक है, ये पावर जो स्क्वायर रूट है वो 1/2 बनेगी, और 1/2 आ गया जाएगा, तो 1/2 और 2 जो पावर में है, तो वो बन जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर, और -1 ये है, तो -1 से +1 कैंसिल हो गया। अब इसको थोड़ा रिजॉल्व करते हैं, ओमेगा रूट ओवर म्यू एप्सिलॉन बाय 2 इंटू 1/2 इंटू सिग्मा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर, कुछ कैंसिल हो रहा है, तो देखिए जैसे ओमेगा स्क्वायर जब मैं बाहर निकालूंगा तो ओमेगा है, तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन से एक बार एप्सिलॉन कैंसिल हो रहा है, ठीक है, और सिग्मा मेरा बाहर निकल रहा है, सिग्मा बाहर चला गया, 2 2 जब 4 बाहर गया तो 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, और अंदर क्या बचता है हमारा म्यू, और नीचे क्या बचता है हमारा एप्सिलॉन। आई थिंक इट इज करेक्ट, सिग्मा स्क्वायर स्क्वायर रूट सिग्मा हो गया, बाहर आ गया, 2 2 जब 4 2 बाहर आ गया, ओमेगा से ओमेगा स्क्वायर बाहर आया, ओमेगा ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, यानी अल्फा इंडिपेंडेंट हो गया ओमेगा से, सिग्मा और 2 बाहर आ गया, म्यू और एप्सिलॉन बचा, करेक्ट। नाउ दिस इज द फॉर्मूला विच वी हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एटीन्यूएशन कॉन्स्टेंट, प्लीज कीप इन माइंड, एटीन्यूएशन कॉन्स्टेंट व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रैवलिंग इन साइड द गुड डायलैक्ट्रिक, तो गुड डायलैक्ट्रिक में यदि हमारी वेव जा रही है तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, सिग्मा बाय 2 रूट ओवर म्यू बाय एप्सिलॉन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए हम आपसे ये कहते हैं कि हर एक का भी फॉर्मूला याद रख सकते हैं, या फिर जनरल फॉर्मूला हमें याद है और हमें गुड कंडक्टर की कंडीशन है, डायलैक्ट्रिक की कंडीशन याद है, तो हम उस फॉर्मूले को स्पेसिफिक में बदल सकते हैं, जनरल फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। सो अल्फा इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 रूट ओवर म्यू बाय एप्सिलॉन। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट बीटा, बीटा में चेंजेस थोड़े डिफरेंट होंगे क्योंकि वहां +1 है, ओमेगा रूट ओवर म्यू एप्सिलॉन बाय 2 और इन द ब्रैकेट 1 प्लस सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन होल स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट था और यहाँ पे +1 था, बाइनोमियल यहाँ भी काम करेगा क्योंकि ये वैल्यू हमारी एक से बहुत छोटी है, सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन इज लेस देन 1, सो वी कैन राइट हियर बीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा रूट ओवर म्यू एप्सिलॉन बाय 2 एंड दिस विल बिकम 1 प्लस 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर एंड +1। अब यहाँ एक और टाइम बाइनोमियल हम यहाँ लगा सकते हैं, कैसे, देखिए बीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा रूट ओवर म्यू एप्सिलॉन बाय 2 एंड 1 प्लस 1 2 है, तो 2 मैं बाहर ले लेता हूँ, और 2 बाहर लिया तो 1 प्लस 1 2 है, 2 बाहर लिया तो 1 बचेगा, और यहाँ तो 2 था ही नहीं, तो 1/2 से डिवाइड, 1/2 से और मल्टीप्लाई होगा, सो 1/4 सिग्मा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर। अब देखिए आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, सो व्हाट आई कैन राइट, बीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा रूट ओवर म्यू एप्सिलॉन, और क्या लिखा है, हाँ, इन द ब्रैकेट 1 प्लस 1/4 सिग्मा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर, शैल आई राइट दिस, बीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा रूट ओवर म्यू एप्सिलॉन एंड इन दिस कैन आल्सो बी रिटन एज 1 प्लस 1/4 सिग्मा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर होल टू द पावर 1/2, इज इट ओके, देन वी कैन आल्सो राइट बीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा रूट ओवर म्यू एप्सिलॉन एंड दिस विल बिकम 1 प्लस 1/2 इंटू 1/4 मीन्स 1/8 सिग्मा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर, ये बन गया। अब इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता, ये हमारे पास बीटा, बीटा इज व्हाट, बीटा इज नथिंग बट द फेज कॉन्स्टेंट व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रैवलिंग इनसाइड द गुड डायलेक्ट्रिक, ओके, एंड वी ऑल्सो स्टडीड दैट यू इज इक्वल्स टू ओमेगा बाय बीटा, तो फ्रॉम हियर आई कैन यूज दिस ओमेगा बाय बीटा देन 1 अपॉन रूट ओवर म्यू एप्सिलॉन 1 प्लस 1/8 सिग्मा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर, ये बन गया, ठीक है, इसको फर्दर हम सॉल्व कर सकते हैं, फिर से लिखता हूँ, यू इज इक्वल्स टू ओमेगा बाय बीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट ओवर म्यू एप्सिलॉन इन द ब्रैकेट 1 प्लस 1/8 सिग्मा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर की पावर 1 है, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, ऊपर जाएगा जब तो यू बराबर ओमेगा बाय बीटा विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1 अपॉन रूट म्यू एप्सिलॉन एंड दिस विल बिकम 1 प्लस 1/8 सिग्मा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर होल टू द पावर -1 एंड दिस विल बी इक्वल टू यू इज इक्वल टू ओमेगा बाय बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट म्यू एप्सिलॉन 1 माइनस 1/8 सिग्मा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर, ठीक है, अगेन वी हैव यूज बाइनोमियल थ्योरम ओवर हियर बिकॉज व्हेन वी आर सेइंग सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन इज मच मच लेस देन 1 देन ऑफ कोर्स सिग्मा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर इज आल्सो लेस देन 1, ठीक है, जैसे एक से छोटा नंबर हमने 0.1 ले लिया तो 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो 0.01, 0.01 लिया तो 0.01 का स्क्वायर 0.0001,
like this. Okay, so now we can say that this is the velocity of electromagnetic wave inside a good dielectric. ठीक है, तो गुड डायलैक्ट्रिक में हमने अल्फा देखा, एटीन्यूएशन कांस्टेंट क्या होगा, बीटा देखा क्या होगा, ठीक है, और यू देखा फेस वेलोसिटी. एंड इफ वी वांट टू राइट गामा, गामा इज सिंपली अल्फा प्लस जे बीटा, देन आई कैन पुट अल्फा. अल्फा क्या निकाला हमने गुड डायलैक्ट्रिक के लिए, अल्फा सिग्मा बाय टू रूट म्यू बाय एप्सिलॉन, सिग्मा बाय टू रूट म्यू बाय एप्सिलॉन एंड प्लस जे बीटा. और बीटा क्या है हमारे पास, देखिए बीटा बराबर ओमेगा रूट म्यू एप्सिलॉन, ओमेगा रूट म्यू एप्सिलॉन इंटू वन बाई एट, ओमेगा रूट म्यू एप्सिलॉन इंटू वन प्लस वन बाई एट सिग्मा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर. पावर नेगेटिव है क्या, नहीं पॉजिटिव ही है. ओमेगा रूट म्यू एप्सिलॉन वन प्लस वन बाई एट सिग्मा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा रूट म्यू एप्सिलॉन वन प्लस वन बाई एट सिग्मा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू गामा. ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट द फेज कॉन्स्टेंट, फेज कॉन्स्टेंट when electromagnetic wave is traveling in a good dielectric. ठीक है, तो इस तरह से निकल के आ जाएगा. और ईटा की यदि हम वैल्यू निकालना चाहते हैं, ईटा बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशो, ये बराबर क्या है, जे ओमेगा म्यू अपॉन सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन. बट गुड डायलैक्ट्रिक में सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन ये रेशो मेरा एक से बहुत छोटा है, यानी सिग्मा बहुत छोटा है ओमेगा एप्सिलॉन, सो सिग्मा नेग्लेक्ट हो जाएगा. Then this will become j omega cancel root over mu by sigma. You can also write mu naught into mu r divided by epsilon naught into epsilon. This will be the intrinsic impedance when electromagnetic wave is traveling in a good dielectric. Okay. So I hope I made it clear to you what is electromagnetic wave and how the propagation of electromagnetic wave takes place in a good conductor and how the electromagnetic wave moves in a good dielectric. This much we have seen in this particular lecture. Okay, let me have a quick review on all the slides. Now, today's topic was electromagnetic waves. Okay, we have seen the Maxwell's equation in the last lecture. We have just converted into the sinusoidal format with the help of the Fourier transform. And then we have seen intrinsic impedance, how we can write in general E upon H, ratio of the electric field intensity to magnetic field intensity, which is equals to root over j omega mu upon sigma plus j omega epsilon, and loss tangent tan delta sigma upon omega epsilon. Then we have seen that for good conductors, the sigma by omega epsilon is much, much greater than 1. We have derived the intrinsic impedance for that. We have derived the attenuation constant. These are the formula for the attenuation constant and phase constant and propagation constant in general. Then we have applied the condition of good conductors. We have seen that alpha and beta both are same for good conductor, that is root over omega mu sigma by 2. We have also derived the propagation constant for good conductor and velocity of the wave inside the good conductor. And we have seen skin depth also in a good conductor and how the skin depth and velocity changes by changing the frequency, permeability and conductivity, that we also have seen. Then wave propagation in good dielectric, what is loss tangent in good dielectric, how alpha and beta will change from good conductor to good dielectric just because the loss tangent is much, much less than 1, whereas in good conductor that loss tangent is much, much greater than 1. So, alpha we have derived, that is sigma by 2 root mu by epsilon. Iska matlab, yadi mera good dielectric aisa hai ki uski conductivity jyada hai, to attenuation jyada hoga, lekin conductivity to kam hogi dielectric ki. Kya jyada hogi? Permittivity, epsilon, iske alpha ki value kam hogi. Theek hai? Aur beta ka bhi formula humne derive kiya using the binomial theorem. Then we have derived the velocity of the electromagnetic wave inside a good dielectric. And we have also seen the propagation constant and intrinsic impedance in a good dielectric. So I hope it is clear to all of you. These things are very, very important, especially when we talk about different kind of media as far as the electromagnetic wave propagation is concerned, transmission line analogy and antenna, all these things are concerned with the dealing with the Maxwell's equation. So we have to be very, very good in Maxwell's equation, because all these things are nothing but a great application of the Maxwell's equation. Okay, thank you very much for joining this.